फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे साथ एक लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है डेल इंस्पिरॉन 5570। प्रॉब्लम क्या है, अब हम आपको प्रॉब्लम कराते हैं। हम मशीन ऑन कर दिए हैं, ऑन करते ये बायोस में खुल जा रही है, डायरेक्ट बायोस में चली जा रही है। यदि मैं F12 भी प्रेस करूंगा, वन टाइम वाला जो फर्स्ट स्क्रीन पर आता है वो भी नहीं आता है, हमारी डायरेक्ट मशीन बायोस पे खुल जा रही है। ये आप देखो, मैं बायोस पे, अब मैं इसको बंद करने के बाद यदि F12 प्रेस करूं, F12 प्रेस करने में भी हमारी मशीन बायोस में ही खुल रही है। तो ये कहीं की प्रॉब्लम हो सकती है, ये हम आपको दिखाते हैं। जो हमें डाउट लग रहा है, हो सकता है इसके कीबोर्ड में प्रॉब्लम हो, इसका आपका की F2 की की प्रेस हो रही हो तो डायरेक्ट ये बायोस में खोल रहा हो। यदि आपकी हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम होती है तब तो ये जब हम F12 करेंगे तो नहीं खोलेगा, पर अब ये डायरेक्ट खोल रहा है तो कोई ना कोई या तो बायोस की प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है या फिर हमारे कीबोर्ड की प्रॉब्लम है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। लैपटॉप को कीबोर्ड हमें डिसेबल करना है, तो इसका अंदर से कीबोर्ड है, अंदर से जाके इसको खोल के कीबोर्ड को मैनुअली बंद कर इसको अनप्लग कर देते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक तो आप करते ही रहते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्या करते हैं, सबसे पहले यूज करने के लिए हम आपको बताते हैं कि बैटरी को डिसेबल करना सबसे जरूरी काम होता है। और आप देखोगे कितनी बुरी हालत हो रखी है धूल मिट्टी की, इसकी वजह से हमारी मशीन में प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं। तो आप अपनी लैपटॉप की सर्विस समय समय पर कराते रहें, नहीं तो हालत खराब हो जाती है और मशीन में हार्डवेयर का इशू भी आ जाता है। तो सबसे पहला काम तो आप अपनी लैपटॉप की क्लीनिंग का जरूर ध्यान रखें, लैपटॉप क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है, अन्यथा आपको ज्यादा भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं एक छोटे से काम के लिए, क्योंकि जब मशीन कूलिंग नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। और एक बात हम आपको बता देते हैं, यदि हमारी मशीन 18 से 20 के टेम्परेचर पर चल रही है तो मशीन में हार्डवेयर के प्रॉब्लम आनी बहुत ही कम चांस हो जाते हैं, बिल्कुल 0% के आसपास। इसका फैन आप देखोगे जाम हो रखा है, तो ये फैन खराब हो रखा है पूरा, जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये घूम नहीं रहा है। तो इसका भी इलाज हमारे पास होता है, सबसे पहला होता है कि हम इसमें W40 मार के देख सकते हैं कि उससे हमारी मशीन, क्या पता हमारा फैन चल जाए, तो हम इसमें W40 मारते हैं। W40 से क्या होता है, जब धूल मिट्टी हो जाती है तो हमारा फैन जाम हो जाता है और वो उसको धूल मिट्टी को काट देता है। W40 नहीं, हमारे फैन में अभी वो मूवमेंट नहीं आया है, थोड़ा सा तो चल गया है पर अभी वो मूवमेंट नहीं बन पाया है। आप देखोगे हमने कीबोर्ड डिसेबल कर दिया है, फिजिकली हटा दिया इसको। इसको डिसेबल करने के बाद हम इसको ऑन कर रहे हैं मशीन को, आ रहा है। तो इसमें मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड से बायोस में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।